सर, मेरा नाम साजिद अख्तर है और मैं यहाँ पर एज ए मैनेजर आया हूँ। अभी 3 महीने लगभग मेरे को हो गए। और इस जगह का जो फॉर्म का नाम है सरताज फार्म हाउस। यहाँ पर जो बकरों की जो अभी दूध की घटनाएं हैं, ये लगभग 4 बकरों की जो अभी चल रही है रिसेंट में, ये लगभग 2.5 साल से होते हुए आया है। बाकी जब हमारे यहाँ के जो स्टाफ काम करते थे, उन्होंने कहा ये नॉर्मल चीज़ है, उन्होंने देखा कि दूध निकल रहा है, बट ये अभी मीडिया में काफ़ी मतलब पॉपुलर हो गई है और ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा चल गई है कि मैक्सिमम न्यूज़ चैनल वाले कवर कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही आए, इस तरीके से जैसे लोगों को पता लगता है, जो लोग इसके मतलब शौकीन है वो तो आते ही है, और जो लोगों को ये चीज़ नहीं दिख रही है तो वो जो रिसर्च वाले वो भी आते हैं। इसका एक्चुअल मेडिकल जो रीज़न बताया जा रहा है, जो उनके जानकार डॉक्टर वगैरह है, वो ये बोल रहे हैं कि ये इनका मेन जो रीज़न है, ये हार्मोन चेंजेस वगैरह की वजह से ऐसा होता है। ये दूध तो नॉर्मली दूध जैसा ही दूध है, दूध मतलब ये दूध मतलब बकरियों के दूध में मिक्स कर देते हैं। और ये दूध की अभी रिसर्च तो चल रही है, उसकी रिपोर्ट तो अभी तक की क्लियर नहीं है, बट ये जिनको पता लगा है तो ये बता रहे कि ये मतलब हमारे देखने में पहली बार आया है, तो हो सकता है इसका कोई रीज़न वगैरह भी आगे चल के पता चले हमें। ये लगभग एक बकरा, इसमें 4 वैरायटी के अलग अलग बकरे हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, पंजाबी बड़ा है, वो लगभग 200 ml के लगभग दे देते हैं, और बाकी ये जो बकरे हैं वो लगभग 100 ml से ऊपर ही देते हैं, 150 ml 200 के लगभग भी देते हैं रोज़ाना। हाँ, रोज़ाना। हमारे पास जो बकरा है, तो पहला बकरा है पंजाबी बीटल, जो ब्लैक कलर में है, उसका वेट है 130 के लगभग पिछली रेटिंग में आया था, और उसका जो प्राइस है, जो रेट है उसका 2,10,000 के लगभग है, बट वो हमारा ब्रीडर है, हम उसको देना नहीं है। और ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये बकरा सबसे महंगा बकरा है हमारे पास, ये हंसा का मतलब कैटेगरी का है, और ये जो है तो अपना चंबल घाटी का पाया जाते हैं। और जो दूसरा है हमारा पतीरा है, पतीरा है तो वो पिंक वाइट के अंदर होता है, वो भी दूध देता है, और उसके साथ साथ एक हैदराबादी है, हैदराबादी ब्रीडर, तो उसके अंदर भी दूध का ये मतलब चल रहा है उसमें भी, तो वो भी लगभग 150 ml का लगभग दे देते हैं। ऐसी 4 वैरायटी है जो 4 वैरायटी का है सर। एक अभी ऑलरेडी हमारे पास अंडर ट्रीटमेंट में है, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है सींग वगैरह का, बाकी सब ठीक है। सर, मेरा नाम डॉक्टर तुषार है, सरताज फार्म रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बुरहानपुर। यहाँ अपने यहाँ जो प्रजाति है ये 10 से 12 प्रजाति है, इसमें बोर है, सोजद है, कोटा है, हैदराबादी है, पतीरा है, सोजद है, हंसा है, ऐसी सब प्रजाति रखे हैं हमने यहाँ पे। अपने यहाँ 4 बकरे हैं सर, ये बीटल है, पंजाबी, एक हंसा है, हैदराबादी है और पतीरा है। मुख्य कारण इसका दूध देने का ये है कि बॉडी में जो बदलाव आता है हार्मोन्स का, तो दूध हमको भी नहीं मालूम था, ये 2.5-3 साल पहले मालूम पड़ा हमको कि दूध बकरे दूध देते हैं, थन आए उनके पहले, तो हमने थन को निचोड़ के देखा तो उसमें से दूध निकला, तो 3-1 साल हो गए वो बात को दूध निकलते हुए। यूज़ तो सर दूध में ही दूध मिक्सचर कर देते हैं बकरियों के, ऐसा तो चाय कॉफ़ी और यही बनता है। सेम मैं खुद पेशे से डॉक्टर हूँ सर, तो जो बकरे का दूध निकला था ये दूध ही है, वो ऐसा कुछ नहीं है उसमें कुछ जी। ये तो सर एक कुदरत का अजूबा ही बोल सकते हैं, ये 100-200 बकरों में एक बकरा निकलता है जिसको थन रहते और वो दूध देता है। मैं भी खुद डॉक्टर हूँ, तो मैंने ये 8-9 साल पहले देखा था कि एक काठियावाड़ी बकरा दूध दे रहा था, तो मेरे भी फॉर्म पर 4 बकरे हैं अभी फिलहाल में दूध देने वाले। ये तो ऑल इंडिया फेमस हो गया है सर सरताज फार्म, तो जो लोग विजिट के लिए आते हैं तो सबसे पहले बताते हैं कि बकरे कौन से दूध दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ बकरों के नाम रखा गया, नामकरण पहले होता है, तो शेरा जो है ये बीटल प्रजाति का है, उसको देखने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं अपने यहाँ कि दूध देने वाला बकरा है, दूध देने वाला, सेल्फी भी लेते हैं उसके साथ जी, रिसर्च के लिए भी आ रहे हैं, और बकरे दूध देते भी है तो साथ में ब्रीडिंग भी करते हैं, यानी दोनों काम चलता है इससे। इसमें अभी तक तो नहीं आया है कुछ, बाकी आगे भविष्य में आ सकता है ऐसा कुछ।